जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो बहुत अच्छी हूँ और अपने घर के आंगन में बैठी हूँ, वही अच्छे से मौसम के साथ। अंदर अंदर भी थोड़ा दम निकल गया इस धुंध की वजह से। बहुत ज़्यादा ये फॉगी मौसम भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए आंगन में बैठी हूँ अपना थोड़ा बहुत काम निपटा के। थोड़ा सा बस ऐसे ही बैठी थी। क्या बोलूँ, कुछ बातें याद आ रही थी पुरानी के कितना एंजॉय करते थे जब हम छोटे होते थे। अब के बच्चों का तो खैर बचपन ही ख़त्म हो गया है, पढ़ाई लिखाई में ये फ़ोन के, और कोरोना ने तो वैसे भी फ़ोन और लैपटॉप कंप्यूटर इसमें फंसा के रख दिए सारे बच्चे। पर हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया अपना बचपन। तो सुबह उठना, उठने बाद तो ये होता था कि पहले तो मुंह धोना पड़ता था, नहीं तो अंदर एंट्री नहीं होती थी किचन में। पहले मुंह धो के आओ, कुर्ली करके आओ, उसके बाद किचन में आओ, जो मैं हम हमारे घर का रूटीन था। तो मुंह धोने के बाद फिर हमारे को चाय नहीं पीने देते थे, चाय बहुत कम देते थे कि दूध पियो, दूध पीना है तो दूध पीते थे। फिर उसके बाद एक गाय थी हमारे, वो लात मारती थी तो उसकी रस्सी से टांग बांधते थे, वो पकड़ने जाना पड़ता था काउ शेड के पास, फिर वहाँ जाओ। फिर एक गोबर की टोकरी भर कर रखते थे, ये पहले खेत में फेंक के आओ, वो फेंकनी है। फिर स्कूल जाओ, स्कूल से आते आते रास्ते में ही घास नहीं होती थी, अम्मा जी घास काट के रखते थे, फिर वहाँ से गटका उठा के लाओ। मतलब संडे वाले दिन तो एक बहुत दूर घास नीली होती थी लोगों की, वहाँ से घास ढोने जाओ। तो मतलब एक रूटीन बना होता था रोज की, ये करना है। फिर या अगर घास को नहीं जाते थे तो फिर संडे वाले दिन सारे गांव के बच्चे गाय चराने जाते थे जंगल में। फिर ऐसी धुंध आती थी ना, उस धुंध में हम सोचते थे गाय का पेट ज़्यादा भर जाए, फिर हमारे को शाम को घास नहीं लाना पड़ेगा। तो हम ना ऐसी धुंध में लोगों की घास नहीं होती थी, उन्होंने पत्थर की एक वॉल लगाई होती थी ताकि एंटर ना कर पाए पशु अंदर, उसको गिरा के हम अपने गाय को अंदर भेज देते थे ताकि पेट भर के आए और शाम को हमारे को घास ना लाना पड़े, क्योंकि फिर शाम को गाय घास नहीं खाती थी जब उसका फुल पेट होता था। तो जंगल में गाय पेट भर के लेट जाती तो समझो कि उसका पेट भर गया है। फिर वहाँ पे लोगों के खेत होते थे नज़दीक, वहाँ से मक्की चुरा के लाते थे और उसको भून के एक छैण बोलते हैं हमारे, जो मतलब ये चील के पत्ते होते हैं उनको जलाते थे और उसमें मक्की भून के खाते थे, वो भी टेस्टी लगती थी। अब तो आप जो मर्जी खाओ कोई टेस्ट नहीं होता। तो ऐसी इस धुन को देख के वो बचपन की यादें आ रही थी कि हम क्या करते थे, बहुत इंजॉय करते थे। फिर कहीं फंक्शन होता था, सारे गांव के लोग इकट्ठे जाते थे फंक्शन के लिए। अब नहीं जाता कोई, फंक्शन हो भी तो बोलते यार वहाँ पे शगुन देना है तो किसी के थ्रू बाय पोस्ट या बाद में चलो चले जाएंगे कभी तो दे देंगे। तो वो बचपन हमारा बहुत अच्छा था जो अब के बच्चों का नहीं है। अब के बच्चे फ़ोन में ही बिजी हो गए हुए, वो लाइफ का मज़ा नहीं है। बस यही सोचने बैठी हुई थी यहाँ पे। तो बचपन की यादें बहुत याद आती है। संडे वाले दिन तो हम इतना एंजॉय करते थे, हमारे पानी की खड़ बहती थी, वहाँ सारे बच्चे जाते थे और तैर के आ जाते थे पानी में। तो एक बार भैया से मेरे को ना बड़ी मार पड़ी थी इसके पीछे। उस दिन मुझे नए कपड़े लाए थे, मेरी दीदी नालागढ़ में जॉब करते थे तो वहाँ से नए कपड़े लेके आए, उन नए कपड़ों से हम तैरने चले गए पानी में। बहुत मज़े वाली लाइफ थी। अब ना मतलब बिजी लाइफ, 12-12 बजे तक हम मेहमानों के साथ बैठते थे शाम को गप्पे मारने के लिए, पता ही नहीं लगता कब 11 बज गए, क्या खाना खाया, क्या जो मर्जी पहन लो। कभी साल में एक सूट सिलवाते थे, अब साल में हम इतने सूट सिलवाते हैं फिर भी ऐसा लगता है यार नहीं उसके उसका सूट अच्छा था, हमारा अच्छा नहीं है, मतलब वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो पढ़ाई भी करनी होती थी, होमवर्क, सर्दियों में होमवर्क मिलता था 100 पेजेस हैंड राइटिंग के, हिंदी के, इंग्लिश के, फिर मैथ्स का अलग होता था।
वो भी करना है, घर के कामों में भी शेयर करना है, फिर मेहमानों के घर भी जाना है। फिर सर्दियों में हमारे ऐसा होता है कि गेहूं लगाया होता तो उसके ऊपर गोबर डालना होता था, तो गोबर डालने के लिए हमने ऐसा करते थे कि मैं क्या मामू के घर जाना है शिमला, तो हम फटाफट से रोज ना 10-12 फेरे डालते थे खेत में कि जल्दी ख़त्म होगा तो मामू के घर जाके आएंगे। तो बड़े वाले भैया क्या करते थे, उससे पहले बुक्स लेके आ जाते थे कि कोई छुट्टियों में कहीं नहीं जाना, अपने पढ़ाई का करो। फिर वो भैया होमवर्क दे के जाते थे हमारे को, फिर वो होमवर्क करो, फिर उसको फटाफट से फिनिश करके तब कहीं हफ्ते भर के लिए मामू के पास जाते थे हम शिमला, नानी के पास जाते थे। फिर नानी का घर तो था 15-20 किलोमीटर नज़दीक ही था नानी का घर, वहाँ भी जाते थे। पर मामू एक होता था कि शिमला जाना है हमारे को मामू के पास, तो वहाँ जाते थे। अपनी दीदी के पास सोलन जाती थी, तो क्योंकि मैं घर की सबसे छोटी थी, बट छोटी होने के बाद ये हुआ कि सब अपने अपने काम में निकल गए और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई घर की। अम्मा जी बीमार हो गए, सारा कुछ संभालना पड़ा। पर तो अब मैं वैसे भी अम्मा जी के बहुत करीब हूँ अभी भी, उनको कुछ भी बात शेयर करनी होती ना फटाफट से मुझे फ़ोन करते हैं कि मैं तुझसे बात शेयर करती हूँ। तो आज पता नहीं क्यों ऐसा कुछ मूड हुआ था ऐसी बातें करने का, तो बस यही बहुत सी बातें हैं, कितनी बताऊँ, कुछ कभी और याद आएगी तो आप लोगों से वो शेयर करूँगी। हाँ एक बात और याद आई, हम कितने नॉटी होते थे ना, चाचू की लड़की होती थी तो उसका रिजल्ट आया, तो वो आई अपना बैग उठा के उसने हमारे घर में रख दिया और मिठाई का डब्बा था उसमें। हमने सोचा चल इसकी बुक्स देखते, अब होता है ना कि अब तो एटिकेट्स बोले जाते हैं कि किसी का बैग नहीं छूते, किसी का वॉलेट नहीं छूते, किसी का फ़ोन नहीं छूते। उस वक्त ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती थी उस, बस हमने वो फंक्शन में चली गई गाँव में, मतलब खाना खाने चली गई, और मैं और एक और मेरी कज़न थी, हमने उसके बैग से मिठाई का डब्बा निकाला और मिठाई खा ली, उसमें 2-3 पीस रखे बस। फिर अब उसको तो हल्का लगता वो बैग जब वो आती, तो हमने क्या किया उसमें गुड़ के छोटे छोटे पीसेज आते थे गुड़ के, हमने वो गुड़ डाल दिया। उसने घर में नहीं खोला क्योंकि वो काफ़ी बहने हैं, तो उसने सोचा यहाँ ख़त्म हो जाएगा तो मैं ऐसा करती हूँ कॉलेज में जाके खोलूँगी, अपनी फ्रेंड्स को और अपनी नानी को ले जाना होगा उसको। तो जब उसने कॉलेज में जाके डब्बा खोला ना, वहाँ गुड़ के ढेल मिले, ढेल मीन्स पीसेस मिले। तो वो उसने ना वो बात बड़े सालों बाद बोली वो कि यार एक बार ना मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैं और मेरी कज़न हंसने लगे, तो तब जाके उसको बड़े सालों बाद पता चला कि वो इनकी शरारत थी। हम दोनों ने ऐसी शरारत की उसमें, बोला यार मेरी सहेलियाँ बोले तू मिठाई की शॉप में गई, तू क्या वहाँ पे गुड़ लेने गई थी, 2-3 पीस तो मिल गए मिठाई, बोलते नहीं यार जब 2-3 पीस थे तो गुड़ भी इसमें डाला है किसी ने, तो किसी ने शरारत की। पर उसको पता नहीं चला, वो बड़े सालों बाद पता चला, वो भी जब हमारी मेरी शादी हो गई थी उसके बाद पता चला कि ये शरारत इसने की हुई थी। तो वो सारे कॉलेज में गुड़ बांट के आ गई। तो ऐसी छोटी छोटी यादें हैं ना जो संजो के रखती हैं, और ये हमर उम्र भर याद रहती है कि क्या क्या किया था। तो चलो ये यादें तो कभी ख़त्म नहीं होगी, यादें ही हैं, बातें रह जाती हैं, यादें रह जाती हैं, बस इंसान चले जाते हैं। तो इसलिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, बहुत प्यार बांटिए, किसी की बुराई मत कीजिए ना, क्योंकि हर इंसान में अच्छाई बुराई दोनों होती है, तो कोशिश करो कि अच्छा ही बोलो सबको। तो थैंक यू।